नमस्कार, लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। खाना खाने से पहले आप क्या करते हैं? क्या आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हाथ धोते हैं? क्या आप साफ जगह पर बैठकर खाना खाने का विचार बनाते हैं, या फिर बिना इन बातों को सोचे बस सीधा खाने पर टूट पड़ते हैं? शास्त्रों का हमारे जीवन में बहुत अहम महत्व है, चाहे हम उसे माने या ना माने, पर हमारे दिन प्रतिदिन की सभी क्रियाएं शास्त्रों द्वारा ही रचित होती हैं। शास्त्रों के द्वारा बनाए गए नियम और निर्देश हमें एक सुखमय जीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि भोजन करने से पहले या करते समय किन शास्त्रीय नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। शास्त्रीय मान्यताओं में भोजन करते समय भोजन की सात्विकता का ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा अच्छी भावना और अच्छे वातावरण और आसन का भी बहुत महत्व माना गया है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होनी चाहिए। यदि यह तीनों शुद्ध हैं तो व्यक्ति कम से कम 100 वर्षों तक जिंदा रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ शास्त्रीय नियमों को अपनाकर आप लंबी उम्र भी जी सकते हैं। तो आइए इन नियमों को जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार हमें भोजन करने से पूर्व हमेशा अपने शरीर के 5 अंगों को स्वच्छ रखना चाहिए, जो हैं दोनों हाथ, दोनों पांव और हमारा मुंह। इन 5 अंगों को साफ करके ही हमें भोजन आरंभ करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक भोजन से पूर्व अन्न देवता और अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करना चाहिए और साथ ही साथ ये कहना चाहिए कि हे अन्न देवता, सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो। भोजन करने वाले के साथ भोजन बनाने वालों को भी कुछ शास्त्रीय नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि बिना स्नान किए भोजन बनाना गलत है। स्नान करने के बाद ही रसोई घर में दाखिल हों और शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाएं। एक और मान्यता के अनुसार खाना बनाने के बाद 3 रोटियां अग्निदेव को समर्पित करने के लिए निकाल लेनी चाहिए और बाद में इसे गाय, कुत्ते और कौवे को अर्पित कर देना चाहिए। यह शास्त्रों के अनुसार पुण्य का काम है। मान्यता के आधार पर खाना तो रसोई घर में बनता ही है, लेकिन भोजन को ग्रहण भी रसोई घर में ही करना चाहिए। इस मान्यता के मुताबिक पूरे परिवार को साथ मिल बैठकर ही भोजन करना चाहिए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। सुबह और शाम को ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की प्रक्रिया सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सिर्फ 1 समय का भोजन करता है वह योगी और जो 2 समय का भोजन करता है वह भोगी है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार जब व्यक्ति क्रोध में हो, किसी से ईर्ष्या की भावना रखता हो तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वह भोजन उसे पचता नहीं है। यदि आसपास कोई लड़ाई झगड़ा या फिर काफ़ी शोर हो रहा हो तब भी ऐसे स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा शांत माहौल में ही करें ताकि पेट के साथ मन को भी शांति मिले। भोजन के दौरान भी कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि भोजन करते समय हमेशा मौन रहें। यदि किन्हीं कारणों से बोलना ज़रूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें और भोजन को खुशी से और पूरा चबा चबा कर ही खाएं। इन बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कि भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए,
भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। यह कारण मेडिकल वर्ल्ड के हिसाब से भी सही माने जाते हैं। भोजन के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटने अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के एक घंटे पश्चात मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। ये जानकारियाँ न केवल शास्त्रों के हिसाब से सही है, बल्कि साइंस के मुताबिक भी इन्हें सही माना गया है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ एस्ट्रो।